आप बताएं कि आप ज्यादातर शॉपिंग के लिए क्या प्रेफर करती है, मार्केट्स या मॉल्स? मैं तो नॉर्मल मार्केट, ज्यादातर मार्केट्स वगैरह। मेरे हिसाब से तो मार्केट बेहतर है। शॉपिंग मॉल्स। मैं ज्यादातर मार्केट जाना पसंद करती हूँ। मैं मॉल प्रेफर करती हूँ। दोनों सूट करते हैं। मॉल्स प्रेफर करते हैं। मॉल की अपनी चीजें और बाहर की अपनी चीजें। आई थिंक मॉल। मॉल्स। शॉपिंग आपने मॉल से भी की होगी, मार्केट से भी की होगी ना, तो मुझे ये बताएं कि इसमें फर्क क्या नजर आता है दोनों में? आपको बाहर आपको तो कोई भी स्नैचिंग कर सकता है, बट मॉल में आप सिक्योर होते हैं। एटीएम के लिहाज से भी आपको पनी निकालना है, शॉपिंग के लिहाज से यू गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी। मॉल्स के एक्चुअली रेट हाई होते हैं। प्राइसेस ओवर रेट तो इस वजह से होती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो उसकी प्राइस तो होगी, जाहिर सी बात है। आप 5,000 वाली चीज लेने, 2,000 वाले, आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। अभी डाइनर से शॉपिंग करके आ रहा हूँ, आप मैं 3,000 की शर्ट खाली एक लेके आ रहा हूँ, आप बाहर से ले लेंगे आपको 1,000 की मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी का फर्क होगा। मॉल्स में जितने पैसों में एक सूट आता है, मार्केट्स में उतने पैसों में दो सूट आ जाते हैं। वहाँ पे सेल्स में वही चीज़ें मिल जाती हैं जो बाहर मार्केट में मिलती है, पर वहाँ जो है वो वैल्यूएबल भी होती हैं और उनकी का जो लाइफ टाइम होता है वो भी लंबा ही होता है कपड़ों का, क्योंकि वो ब्रांडेड होते हैं तो ना कलर्स ख़राब होते हैं ना कुछ। मार्केट में आप चलते चलते बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई भी नज़र आती है, मॉल्स में तो एक ही चीज़ होती है ब्रांड्स की, और यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें वैरायटीज़ मिलती हैं। मज़ा मॉल्स में आता है क्योंकि मार्केट में ऐसे रश और गर्मी ही होती है और कुछ नहीं होता। यहाँ पे मज़ा आता है, मतलब मॉल्स वगैरह में तो मज़ा नहीं आता है। एसी वगैरह भी मिल जाता है और क्या, बाकी बाहर नहीं मिलता, गर्मी में फिरना पड़ता है। एसी अगर इंसान देखेगा तो वही बात है कि महंगाई देखे या एसी देखे, आधी दुनिया देख लेगा, मॉल से बिल्कुल खाली हाथ निकल रही होगी, लेकिन लेंगे वो मार्केट से, लेकिन मॉल जाते जरूर।